प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को किया संबोधित। कहा, भारत लचीलापन और प्रगति का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, हर गांव पहुंचेगी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को गारंटी की जीत बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने गृह राज्य राजस्थान का किया दौरा। राज्य के बांसवाड़ा, उदयपुर और जयपुर की यात्रा पर रहे उपराष्ट्रपति गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के छात्रों से भी किया संवाद। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिसर में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में 200 करोड़ रुपयों की नकदी मिलने के बाद दी प्रतिक्रिया। रक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के लिए 588.68 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ हुआ है समझौता। उन्नत डाटा सेंटर, मजबूत आपदा रिकवरी, कनेक्टिविटी वृद्धि और आईपी सिस्टम विकास को मिलेगी मजबूती। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंचा। भारत अब भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत देशों की सूची में बरकरार। एप्पल भारत में प्रतिवर्ष 50 मिलियन से अधिक आईफोन का निर्माण करने को तैयार। चीन से अपनी निर्भरता को हटाने का एप्पल का है ये प्रयास। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर अगले वर्ष मार्च 2024 तक लगाई रोक। घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना अहम वजहों में शामिल। दुनिया भर में फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचाने के बाद सिनेमा घरों में रिलीज हुई कस्तूरी फिल्म। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इस फिल्म को नए रिकॉर्ड बनाने की है उम्मीद। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज। भारत के सामने सीरीज बचाने की चुनौती।